अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्लेन्ड, इस तरह से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसकी 3 जो है वो एग्जांपल्स बनाई हैं, इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट है 7/3, सेकेंड है -16/5 और थर्ड है √3। आए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास 7/3। इन ऑर्डर टू लोकेट 7/3 ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट कन्वर्ट 7/3 एज मिक्स्ड नंबर। हमें जो 7/3 नंबर दिया गया है, सबसे पहले हमें इसको मिक्स नंबर में चेंज करना होगा। इसके 2 तरीके हैं, या हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और इसको डेसिमल में भी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा हमारे पास 2+1/3। इसका मतलब है 2 जो है वो एक मुकम्मल नंबर हमारे पास आ चुका है, एंड 1/3 जो है वो थर्ड पार्ट है नेक्स्ट नंबर का। इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब ये 2 और 3 के दरमियान में आता है। नाउ डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसको अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो हमारे पास वो लोकेशन आ जाएगी जहां पर इस नंबर को लाए करना चाहिए। द नंबर 7/3 इज़ रिप्रेजेंटेड एज। तो ये नंबर लाइन लिए, इसमें 2 और 3 के दरमियान जो है इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 7/3 जो है वो इस नंबर पर आता है। इसके बाद है -16/5। फर्स्ट वी डिवाइड -16/5 एंड वी गेट -3+1/5, यानी -3 एक पूरा कंप्लीट नंबर आएगा हमारे पास और 1/5 जो है वो नेक्स्ट के पार्ट्स हैं। और -3.2 भी हम इसको लिख सकते हैं अगर हम इसका डेसिमल में आंसर निकालें। देन वी डिवाइड द लेंथ फ्रॉम -3 टू -4। -3 और -4 के दरमियान जो लेंथ है हम उसको डिवाइड कर लेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में, सो वी गेट रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास -3 और -4 के दरमियान में ये आ जाएगा -16/5। इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका √3। टू ड्रा √3 ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट √3 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.7 दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। √3 को सबसे पहले हम इसका जो है √ मालूम कर लेंगे। √ इसका जो है वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.7। अब ये 1 तो एक कंप्लीट नंबर हमारे पास आ गया, 1 के बाद जो सेकंड नंबर है उस तक ये 7 पार्ट्स में इसको हमने काउंट करना है। तो सो वी डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, सो वी लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन एज शोन बिलो। चूँकि इसको 10 पार्ट्स में जो हम तकसीम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 7th पोजीशन उसकी आ जाएगी कि वो कहाँ पर लाए करना चाहिए। तो नंबर लाइन पर नंबर मैंने दिए हैं 0 से लेकर 3 तक। इसी तरह से 1 जो नंबर है वो तो हमारे पास कंप्लीट है, और 1 से 2 जो नेक्स्ट नंबर है इसके दरमियान 7th पोजीशन पर जो है ये नंबर लाए करेगा √3। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।